ओम स्टिचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाइट सूट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया है। इसमें से हम पहले पीछे वाले पर्दे की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे वाले पर्दे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे, तो हम इसकी लंबाई रखेंगे 28 इंच और 1.5 इंच का हम सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे, तो 29.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। और यहाँ से हम इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो शोल्डर हैं 14 इंच, उसका आधा हुआ 7 इंच, 7 इंच पर निशान लगा देंगे और गले के लिए निशान हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। आर्म होल रखेंगे हम 7.5 इंच का। इस निशान को सीधा कर देंगे और यहाँ से इंची टेप को ऐसे 1.5 इंच पर रख के 1.5 इंच पर हम इसकी गोलाई कर देंगे। और पीछे वाला गला रखेंगे हम 3 इंच का, इसका एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम गोलाई कर देंगे। गले वाली साइड से आर्म होल की साइड में 0.5 इंच का हम झुकाव देंगे। यहाँ पे हम सीने का चौथाई भाग लेंगे, सीना है 40 इंच, उसका चौथाई भाग हुआ 10 इंच, 0.5 इंच की हम इसमें लूजिंग जोड़ देंगे, तो 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे और 1 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे, तो 11.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ से नीचे की साइड में कमर के लिए निशान लगाएंगे, कमर के लिए निशान हम 8.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम यहाँ पे कमर की नाप का निशान लगाएंगे, तो कमर है 36 इंच, उसका चौथाई भाग हुआ 9 इंच और 0.5 इंच की हम इसमें लूजिंग जोड़ देंगे, तो 9.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे और 1 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे, तो 10.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे हिप का चौथाई भाग लेंगे, हिप है 44 इंच, उसका चौथाई भाग हुआ 11 इंच, 0.5 इंच की हम इसमें लूजिंग जोड़ देंगे, तो 11.5 इंच पर निशान लगा देंगे और 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, तो 12.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे, गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, यहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी। मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अब हम बचे हुए कपड़े में से आगे वाले पर्दे की कटिंग करेंगे। ये मैंने खुले हुए भाग को अपनी तरफ रखा है, ये कपड़ा डबल है। अब हम इधर की साइड में 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हम इस पीछे वाले पर्दे को इस निशान से इधर की साइड में बिछा देंगे। अब हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम इन निशानों पर से कटिंग कर देंगे। मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अब हम गले के लिए निशान लगा के गले की कटिंग करेंगे, तो इस निशान से इधर की साइड में 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे।
और गले की गहराई रखूंगी मैं 5 इंच की, 5 इंच पे निशान लगा देंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हम गोलाई कर देंगे। अब हम आर्म होल में थोड़ी सी गहराई और देंगे। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। मैंने आर्म होल और गले की कटिंग कर दी है। अब हम पीछे वाले पर्दे में गले की कटिंग कर देंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमारा डबल है। इस डबल कपड़े को हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े की चौड़ाई रखेंगे हम आर्म होल से 2.5 या 3 इंच ज़्यादा। आर्म होल है 7 इंच का, तो इस कपड़े की चौड़ाई रखी है मैंने 10 इंच। अब हम बाजू की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई रखेंगे हम 6 इंच की और 1.5 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे, तो 7.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब हम नीचे की साइड में 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम बाजू की गोलाई कर देंगे। अब हम बाजू की मोहरी के लिए निशान लगाएंगे, तो बाजू की मोहरी में रखूँगी 6.5 इंच की और 1 इंच का इसमें मार्जिन रखूँगी, तो 7.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे और इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने बाजू की कटिंग कर दी है और बीच में कट भी लगा दिया है। अब हम बाजू की एक साइड में गहराई देंगे। एक बाजू को हम सीधी साइड से रख लेंगे, उसके ऊपर दूसरी बाजू को ऐसे उल्टी साइड से रख लेंगे। और एक साइड में हम गहराई के लिए निशान लगा देंगे और यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसमें से गले के लिए तिरछी पट्टियां कट करेंगे। ये कपड़ा डबल है और पट्टियां हम 1.5 इंच चौड़ी कट करेंगे। अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। ये मैंने आगे वाले पर्दे को ऐसे बिछा लिया है और ये हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इधर की साइड में, गले वाली साइड में, उसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे। और ऐसे ही इधर वाले को भी हम डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे। इस पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। इन पर्दों को मैंने सीधी साइड से रखा है। इसके ऊपर पीछे वाले पर्दे को हम उल्टी साइड से रख लेंगे। और सिलाई लगा के हम शोल्डर जोड़ देंगे। मैंने दोनों साइड के शोल्डर जोड़ दिए हैं और इन पट्टियों को भी जोड़ लिया है। अब हम इस पे गले पे पाइपिंग लगाएंगे। इसको हम ऐसे उल्टी साइड से रख लेंगे और इसके ऊपर इस पट्टी को भी उल्टी साइड से रख लेंगे और इसको थोड़ा सा आगे की साइड में निकाल देंगे पट्टी को। अब हम इस पट्टी को इसमें सिलाई लगा के जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और थोड़ा सा इधर की साइड में इस पट्टी को निकले रहने देंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
अब हम इसको सीधी साइड से ऐसे रख लेंगे और इस पट्टी को आगे की साइड में निकाल देंगे। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पट्टी है आगे की साइड में, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे सीधी साइड में और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे एक बार। मैंने इस पे पाइपिंग लगा दी है। अब हम इन बाजुओं को लेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही दोनों बाजुओं पे हम सिलाई लगा देंगे। बाजुओं को मैंने तैयार कर लिया है सिलाई लगा के। अब हम बाजू जोड़ेंगे। इन पर्दों को मैंने सीधी साइड से रखा है और इस कट को इस बीच पर रख देंगे और जो हमने गहराई दी है एक साइड में, उसे आगे वाली साइड में रखेंगे और ऐसे सिलाई लगा के बाजू को हम जोड़ देंगे। दोनों बाजुओं को हम जोड़ देंगे। मैंने दोनों साइड की बाजुओं को जोड़ दिया है और मैंने साइड की सिलाई के लिए मार्जिन को छोड़ते हुए दोनों साइड में निशान लगा दिया है। अब मैं इन निशानों पर सिलाई लगा दूंगी। मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब हम इसको नीचे की साइड से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे। मैंने इसको नीचे की साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है पूरे में और इसको सीधा कर लिया है। अब इसमें हम एक साइड में काज बना देंगे और एक साइड में बटन लगा देंगे। मैंने इसमें काज कर दिए हैं और बटन भी लगा दिए हैं। अब हमारा नाइट सूट बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।